तीरंदाजी प्रतियोगिता के एक विशेष होनहार प्रतिभा है अजय कुमार नागरवाल, जिन्होंने हाल ही में निमराना में आयोजित हुई NTPC की 39वीं सब जूनियर चैंपियनशिप में अपना मेडल जीता है। और इस मेडल जीतने के साथ ही उसने कई युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित भी किया है। सामान्य से परिवार के संबंध रखने वाले अजय नागरवाल से पूछते हैं कि किस तरीके से इसका आर्चरी का सफ़र शुरू हुआ और अभी किस मुकाम पर है, आगे कहां तक जाने की एक तरह से उम्मीद रखते हैं। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में। 9th क्लास में हो, आर्चरी में इसमें कब से हो? मैं 2017 में नवंबर में स्टार्ट करी थी मैंने आर्चरी। अच्छा, तो इस फील्ड में कैसे है तीरंदाजी में? मेरा बड़ा भाई वो भी तीरंदाजी करता है, तो उसकी है ना आर्मी में जॉब लगी थी इससे। अच्छा, खेल कोटे से? हाँ, खेल कोटे से। तो तुम्हें लगा कि मैं भी नौकरी में आ जाऊंगा? हाँ, खेल कोटे से। हाँ। अच्छा, अब जब इसमें आ गए आप, तो कितने घंटे आप प्रैक्टिस या हार्डवर्क करते हैं? टोटल एक दिन में तो 10 से 12 घंटे हार्डवर्क करते हैं। अच्छा, कभी दोस्तों के साथ खेलने का मन नहीं होता, मोबाइल चलाने का, या लक्ष्य के प्रति ध्यान रहता है? लक्ष्य के प्रति ध्यान रहता है। दूसरा, इससे जैसे आप खेल में हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, तो फिर पढ़ाई के लिए तो समय में थोड़ी कमी रहती होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेस्ट का टाइम रहता है ना दोपहर में, जैसे कि हमारी 12 बजे छुट्टी हो जाती है, उससे जो 3 बजे का टाइम रहता है ना, उसके अंदर 2 घंटे की ऐसे पढ़ाई हो जाती है और शाम को हो जाती है। अच्छा, जब आप खेलते हैं तो बहुत हार्डवर्क होता है, पसीना बहाया जाता है, डाइट फूड, आप एक सामान्य परिवार से हो, तो उन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो? उन चीज़ों को दिनेश सर मैनेज करते हैं। मैं क्या हॉस्टल में ही रहता हूँ। अच्छा, दिनेश कुमार जी जो आपकी CST स्पोर्ट्स फाउंडेशन चलाते हैं? यस सर। उनके पास ही रहते हैं आप? हाँ। तो आपको उनका पूरा सपोर्ट है? यस। आपके मदर फादर क्या करते हैं? मेरे पापा प्लम्बर है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, आपके परिवार में आपके भाई के अलावा और भी इस फील्ड के जानकार हैं? हाँ, मेरे ताऊ जी है जो एरोबिक्स सिखाते हैं और मार्शल आर्ट भी सिखाते हैं। अच्छा। हाँ। तो अब आगे आप इसको कहाँ तक ले जाओगे, किस क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे? मैं इंटरनेशनल मेडल लेना चाहता हूँ। इंटरनेशनल मेडल की इच्छा रखते हो? यस। उसके लिए मेहनत कर रहे हैं? हाँ। तो अपनी इस सफलता का श्रेय आप किस किस को देंगे? इसके अंदर मैं मम्मी पापा का भी है, मेरे ताऊ जी का ज़्यादा है और दिनेश सर का भी है। अच्छा, अब दिनेश सर की तो नौकरी लग गई, वो तो बाहर नौकरी करने लगे, आपको बहुत कम समय देते हैं, तो इसको कैसे फेस करोगे? एक हफ्ते में एक दिन आते हैं, उसके अंदर जो बताते हैं उसको हम पूरे एक हफ्ते तक करते हैं। अच्छा, उसको आप फॉलोअप करते रहते हैं। तो ये प्रतिभा जो टीचर्स के बताए अनुसार लगातार आगे बढ़ रही है, ऐसी बहुत सारी होनहार प्रतिभाएँ समय समय पर आपसे मुखातिब होती रहेगी। अजय नागरवाल के लिए हमारी शुभकामनाएँ कि आप तीरंदाजी के क्षेत्र में बहुत आगे तक जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।